हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस एलईडी का रिपेयर करेंगे। तो वैसे मैं पिछले वीडियो में इससे एक एलईडी खोल लिया था, जैसा कि मैंने बताया था कि एलईडी एक 20 वोल्ट का है, तो हर किसी में अलग अलग वोल्ट हो सकता है। लेकिन ये जो हमारा मार्केट में एलईडी मिलता है ये सिर्फ 4 वोल्ट का है, मतलब इसके अंदर ऐसा एलईडी 6 है, किसी में 4-5 ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें एक ही एलईडी है। तो इससे क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो वो बार बार खराब होने लगेगा। तो मैं इसको सिंपली से रिप्लेस कर दूंगा इस वाले हमारा मॉड्यूल के साथ। तो ये मार्केट में लगभग 25 रुपये में मिल जाती है, तो मैं इसको इस जगह पर रिप्लेस कर दूंगा। तो वैसे ये भी 15 वाट का है, तो हमारा काफी ब्राइटनेस आएगा इससे। तो अगर इसके अंदर गौर से देखें तो इस एलईडी के अंदर 2 एलईडी लगा हुआ है। तो चलिए इसको सिंपली से रिप्लेस करते हैं। तो वैसे कुछ कुछ में ये एलईडी सिर्फ सिंपली एक एलईडी होता है और इसके अंदर एक सर्किट होता है, और इसके अंदर सर्किट एलईडी के साथ ही है। तो मैं यहाँ पे ऐसा वाला ही एक बोर्ड लेके यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो इस पर काफी कम झंझट है। तो चलिए इससे प्लेस करने से पहले मैं यहाँ पे एक दो छेद करना होगा, तभी हम यहाँ पे स्क्रू लगा सकते हैं। तो पहले इसको छेद कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे छेद कर लिया हूँ। वैसे यहाँ पे कुछ अलग टाइप का ग्लू लगा हुआ था, तो मैं यहाँ पे हमारा दूसरा हीट सिंक पेस्ट लगा दूंगा। तो चलिए पहले इसको इसके अंदर लगा लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे न्यूट्रल लाइन करके मार्क हुआ है, लगा हुआ है, तो इस मार्क के हिसाब से हम लगा देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा लिया हूँ अभी, तो अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। तो ये जल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको इसके अंदर हम स्क्रू को टाइट कर देंगे अभी। तो हमारा एलईडी कंप्लीट हो चुका है, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो ये काफी पहले से काफी ब्राइटनेस हो गया, क्योंकि ये 15 वाट का सर्किट बोर्ड था। चलिए फिर से देख लेते हैं। तो एक काफी सिंपल एक तरीका है। तो बस यही था, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।